सैयद, एक जानकारी और भी बताइएगा, दर्शकों के साथ साझा कीजिए कि जो ये मियांवाली एयरबेस है, क्योंकि ये सुरक्षा के लिहाज से भी देखें तो बहुत बड़ा चूक इसे हम कह सकते हैं, बहुत बड़ी चूक है ये। अगर सुरक्षा के लिहाज से मियांवाली एयरबेस की वहां पर देखें इंतजाम जो किए गए हैं वो किस तरीके के होते हैं अमूमन, और क्या ये पॉसिबल है कि इस तरीके से वहां पर सुसाइड बॉम्बर्स घुस जाए, कोई और मिली भगत, कोई आशंका? जी ऐसा मुमकिन तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह की जो सिक्योरिटी होती है बेसिस के अंदर, पीएफ की बेस है, आर्मी की बेसिस, कैंट एरियाज है, इनमें बहुत जो है फुल प्रूफ जो है वो सिक्योरिटी होती है। लेकिन जो दीवारें हैं, ये समझा कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कुछ दीवारों पे जो बैरियर्स लगे हुए थे, दीवारों के ऊपर जो खारदार तारें लगी हुई थी उनको तोड़ के ये जो टेररिस्ट हैं जो अंदर घुसे हैं, कुछ रिपोर्ट्स अनवेरीफाइड हैं, लेकिन ये बताया जरूर जा रहा है कि वहां से ये टेररिस्ट जो है वो अंदर घुसे हैं, क्योंकि जो मेन जो एरियाज है, मेन गेट्स है, वहां पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है। लेकिन ये भी समझना होगा कि ये कहाँ से घुसे हैं, क्योंकि ये भी एक सवालिया निशान होगा कि इतनी ज्यादा सिक्योरिटी के अंदर से ये इतने टेररिस्ट जो है छह के करीब जो है वो अंदर घुसे हैं और उन्होंने ये सारा ऑपरेशन किया है। और तो वैसे सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा फुल प्रूफ सिक्योरिटी होती है इन मामलात में, और चार से पांच जो बैरियर है उनको क्रॉस करके आगे जो आप एंट्री कर सकते हैं इस तरह के जो एरिया में। तो ये वाकई बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो ये टेररिस्ट घुसे कैसे, जैसी रिपोर्ट आती है तो हम दर्शकों को साथ साथ आगाह करते रहते हैं। बिल्कुल, और सैयद जो हमले के बाद से जानकारी आ रही थी कि बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचा है मियांवाली एयरबेस को, तो क्या कुछ जानकारी मिल रही है कि क्योंकि एयरक्राफ्ट डैमेज हुए हैं कि कुछ इस तरीके की भी जानकारी हम अपने दर्शकों के साथ लगातार साझा कर रहे हैं, कोई आपके पास ऐसी जानकारी कि कितना ये नुकसान हुआ है? जी बिल्कुल, ISPR की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया गया उसके मुताबिक तो बिल्कुल ये तीन एयरक्राफ्ट हैं जिनको डैमेज किया गया, वो ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट से। तो इसके अलावा एक फ्यूल का जो कंटेनर जो है वो बिल्कुल बताया जा रहा है कंटेनर है। और सैयद जानकारी ये भी मिल रही है कि पाकिस्तानी सेना की ड्रेस में आतंकी वहां पर आए थे और इस तरीके से वो बहुत आसानी से दाखिल हो गए, कोई जानकारी इस तरीके की अभी आपके पास भी मिल रही है, कुछ पुख्ता हो पा रहा है? देखिए जी, अनवेरीफाइड है, हो सकता है कि ऐसा हुआ, लेकिन अनवेरीफाइड मैं बार बार ये कह रहा हूँ क्योंकि अभी जो कुछ भी कहना जो है ना किसी भी जो बात पे जो पूरा उतरना वो जरा मुश्किल होगा हमारे लिए। और जाहिर है कुछ ना कुछ तो उन्होंने किया होगा, कोई ऐसी टेक्निक उन्होंने अपनाई होगी जिसके जरिए से इतनी ज्यादा सिक्योरिटी के अंदर वो इस बेस के अंदर घुसे हैं और उन्होंने ये सारा जो है वो प्लान किया। तो जाहिर है कुछ उन्होंने इसकी प्लानिंग की होगी, किस तरह घुसना है, किस तरह कौन सी दीवार है, कौन सा जो गेट है, वो किस तरह आगे जाना है, वो पूरी इन्होंने प्लान किया होगा। तो अभी जो है वो इंतजार है कि जिस तरह कोई वेरीफाइड रिपोर्ट्स आती हैं तो मैं जरूर दर्शकों से जो है वो शेयर करूँ। जी, और सैयद तहरीके जिहाद की तरफ से इसकी जिम्मेदारी ली गई है, क्या उनकी तरफ से कुछ अभी स्टेटमेंट दिया गया है, और तहरीके जिहाद के बारे में भी जरा बताइए दर्शकों को? जी बिल्कुल, ये तहरीके जिहाद पाकिस्तान में पहले भी जो है वो इस तरह के टेररिस्ट अटैक्स कर चुकी है, लेकिन अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो तहरीके जिहाद पाकिस्तान और TTP के मुकाबले में तो TTP के जो हमले हैं वो पाकिस्तान में वो बहुत ज्यादा हैं। तो TTP की अगर बात की जाए तो TTP के जो हमले हैं वो उस जो तहरीके जिहाद से उससे ज्यादा है। तो इसलिए तहरीके जिहाद से बहुत कम हमलों की वजह से तो ये बहुत जो है इम्पोर्टेंट हमला था कि उन्होंने जो है ये हमला वहां पर प्लान किया और प्लान करके जो है ये मामला उन्होंने एग्जीक्यूट किया। तो उस हवाले से इतने अटैक्स उन्होंने पाकिस्तान में किए नहीं है जिस हवाले से TTP ने अटैक्स, तो खतरा पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा जो था वो TTP। बिल्कुल सैयद, और जो इसके अलावा भी जानकारी आएगी वो भी हम अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट TV पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।